मेरी सभी व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके फ्यूचर का हिस्सा होने वाला है और इस प्रोडक्शन को एंजॉय करें। इंसानों की शुरुआत से ही हम अपने जीवन को और सरल बनाने की कोशिश करते रहे। हमने कुछ ऐसे औजार बनाए जो हमारी हमेशा सहायता करें। हमने भाषाओं की खोज की, हमने गणित को विकसित किया, हमने विज्ञान को विकसित किया ताकि वो हमारी सोसाइटी को और मदद करे और हम और ज़्यादा पावरफुल हो सकें। और हाँ, अंत में हमने बहुत सारी जंगें लड़ी शक्ति की लालच में, सत्ता की लालच में, लेकिन फिर भी हमारे विकास का जो सफ़र है वो कभी रुका नहीं। और आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने माइक्रोचिप की खोज की और ये माइक्रोचिप हम इंसानों की काबिलियत को दर्शाता है। पहली बार हम इंसानों ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। हम इंसानों ने अपने आप को इस तरह विकसित कर लिया कि एक सिलिकॉन बोर्ड पर हम खुद जैसे सोचने वाली चीज़ों को ला सकते थे। हमने इस चीज़ को यूज़ करके कंप्यूटर बनाए, टेलीफोन्स बनाए और बहुत कुछ बनाया। और आगे चल के हमने इंटरनेट की खोज की। यह एक ऐसा बिंदु था जो पूरी दुनिया के ज्ञान को एक जगह समेटा हुआ था। हर कोई इसे यूज़ कर सकता था, इसका इस्तेमाल कर सकता था, इसका फ़ायदा उठा सकता था और आज हम उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा कल क्या होगा, हम कल क्या नया लाएंगे, हम क्या नया विकसित करेंगे। अभी ही हाल ही में हमने एक क्रिप्टो करेंसी की खोज की है जिसे हम बिटकॉइन भी कहते हैं। यह हम एक दूसरे से लेन देन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्रोन की खोज की। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम गूगल में कुछ ऐसे रोबोट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं जो हो सकता है कि कुछ ही वर्षों में हमारे घरों में हमारी मदद करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों की भी खोज हो रही है जो हमारी तरह सोच सकें, कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारी तरह सोच सकें, हमारी तरह रिस्पॉन्ड कर सकें। और IBM एक ऐसा ही वर्चुअल असिस्टेंट बना रहा है जिसका नाम है वॉटसन। इसकी ये खासियत है कि ये अभी तक का इंसानों का बनाया हुआ सबसे ज़्यादा समझदार वर्चुअल असिस्टेंट है, AI असिस्टेंट है। ये हमारी हर सवाल का एक इंसान की तरह जवाब दे सकता है, सही गलत में हमें फ़र्क बता सकता है, क्या सही है क्या गलत है हमें रास्ते बता सकता है। और सिर्फ ये नहीं, आप कोई भी सवाल कीजिए इससे, ये आपको सही जवाब बता सकता है एक इंसान की तरह। ये भी सोचता है। और मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। So one of the prototype systems that we're building is something we call the debater. We give it freewheeling understanding of large bodies of information like Wikipedia, and we ask the computer with no human intervention construct arguments pro and con on any subject we throw at it. And the result of that is what I'd like to show in the demonstration now. So as I said, we could throw any subject at it. I've chosen some here, and let's just pick the first one. So it will now look for all the literature and try to understand as a computer what's a pro and what's a con for violent video games. Let's roll the first one. Scanned approximately 4 million Wikipedia articles, returning 10 most relevant articles. Scanned all 3,000 sentences and top 10 articles. Detected sentences which contain Canada claims. Identified borders of Canada claims. Assessed pro and con polarity of Canada claims. Constructed demo speech with top claim predictions. Ready to deliver. You have selected the topic, the sale of violent video games to minors should be banned. I would like to raise the following points in support of the topic. Exposure to violent video games results in increased physiological arousal, aggression-related thoughts and feelings, as well as decreased prosocial behavior. In addition, these violent games or lyrics actually cause adolescents to commit acts of real-life aggression. Finally, violent video games can increase children's aggression. On the other hand, I would like to note the following claims that oppose the topic.
violence in video games is not causally linked with aggressive tendencies. In addition, most children who play violent games do not have problems. Finally, video game play is part of an adolescent boy's normal social setting. Would you like to discuss another topic? So as you can see, if we can go to the final chart, again, completely unaided by humans, the system went through all of this knowledge and constructed and reasoned, quote unquote, on its own. Now think about what this means. It's no longer a game man versus machine. It's man and machine reasoning together. I believe this is the future of computing. Thank you. Thank you. Thank you. तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है. IBM का ये वर्चुअल असिस्टेंट बिना इंटरनेट के भी बहुत कुछ कर सकता है. आगे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि दो स्कॉलर्स के साथ बिना इंटरनेट के वॉटसन कैसे कंपटीशन में खड़ा उतरता है. Ellen, but who is the church lady? Yes. Watson, what is narcolepsy? You are right, and with that you move to $36,681. Who is Bram Stoker and the wager? Hello, $17,973 and a two-day total of $77,147. ये तो 3 साल पुरानी बात है. अभी फरवरी 2013 में लंग्स कैंसर के लिए फर्स्ट सॉफ्टवेयर निकालेगा IBM, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जो डॉक्टर की मदद करेगा मैनेजमेंट्स में और लंग्स कैंसर के डिसीजंस लेने में. Dear Watson was given a very unusual case, a young Asian woman, non-smoker, who has lung cancer. So now you tell Watson to do its thing, and it's now looking at the data you inputted, the data from her imaging, from her biopsy. In 17 seconds, Watson has analyzed about 3,500 textbooks and 400,000 other pieces of data. This is the screen where it shows you that after looking at what you have so far, it would consider that you do several other things for the patient that it doesn't see yet in the chart. In an instant, Watson has figured out what caused this cancer. It turns out she has a very rare genetic mutation, which is accounting for her cancer. And offered 3 treatment options. It has shown that treatment 1 has a 95% confidence of being effective. और वॉटसन सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता है. वॉटसन को बहुत सारी बैंकों ने अपने में इम्प्लीमेंट कर लिया ताकि वो ट्रांजैक्शंस पर ध्यान दे सके और कुछ भी अनहैपनिंग पर तुरंत ही अलर्ट अलार्म प्रेस कर सके और साथ ही साथ पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे सके, जो कि शायद इंसानों के लिए उतना पॉसिबल नहीं है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कर सकता है. Citigroup, the bank hired Watson for his first foray into financial services. So what does the big bank expect to get from the trivia whiz? The Toronto Star says the bank will use Watson to take in everything from information about customers' profiles and banking activities to corporate quarterly reports, analyst reports, regulations, credit ratings, government securities filings, and the institution's own rules. It could also gather intelligence from online news reports, blogs, and Twitter feeds. अगर हम लेवल ज़ीरो से बात करें तो वॉटसन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें करेक्ट आउटपुट दे सकता है, लेकिन अगर हम उसे इंसानों की तरह एक सही स्टडी मटेरियल दें तो. लेकिन फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन मन में उठता है कि क्या वॉटसन माइक्रोप्रोसेसर्स की तरह, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर ने बहुत लोगों की नौकरी खा ली थी, क्या ये भी नौकरियाँ खा सकता है? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जॉब्स जिसमें रिसर्च और रीजनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसमें इस सॉफ्टवेयर की प्रोबेबिलिटी काम करने की बहुत ज़्यादा कम है. और IBM जल्द ही ये सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेगा डेवलपर्स के लिए. जैसे गूगल सिर्फ सर्च की सर्विस प्रोवाइड करके इतना बड़ा मार्केट प्लेयर बन गया है, और अगर मैं वॉटसन की बात करूँ तो वॉटसन तो हर क्वेश्चन का एक सही आंसर दे सकता है, चाहे वो कहीं से भी आए. तो इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है मार्केट में. और हाँ, हो सकता है कि जल्द ही ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी आ जाए. और हाँ, एक चीज़ तो लाजमी है कि ये क्लाउड पर काम करेगा, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. और एक फैक्ट और भी है कि ये आईपैड के लिए पहले से अवेलेबल है, लेकिन वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही अवेलेबल है. और अगर मैं इंसानों से इसे कंपेयर करूँ, हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर इंसानों के इतना स्मार्ट हो, लेकिन इंसानों के इतना इंटेलिजेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंसानों ने ही इस सॉफ्टवेयर को बनाया है. और हो सकता है कि ये हमारी अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन हो.
तो ये सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी इंसानों के सबसे बड़े वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। तो हो सकता है कि जल्दी फ्यूचर में ये हमारी इंसानी सभ्यता के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा कदम माना जाए, बहुत ही बड़ी इन्वेंशन मानी जाए, लेकिन अभी कुछ वर्ष और लगेंगे इस चीज़ को हमारे घरों में, हमारे पास आने में। तो इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अगर नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।